अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए अक्सर कहा जाता है कि हमें जंक फूड से बचना चाहिए और रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये बात सच भी है। लेकिन एक फिटनेस ट्रेनर का दावा है कि उसने अपना वजन कम करने के लिए सख्ती से डाइटिंग नहीं की और बल्कि उसने रोजाना पिज्जा खाया है। ये बात आपको सुनने में अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। फिटनेस ट्रेनर ने अपनी पुरानी और नई फोटोज भी शेयर की हैं। उसमें उसकी बॉडी का अंतर आसानी से देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार वजन कम करने वाले फिटनेस ट्रेनर का नाम रोयान मर्सल है, जो आयरलैंड के रहने वाले हैं। 34 साल के रियान ने दावा किया है कि उन्होंने 30 दिनों तक दिन में ही 3 बार पिज्जा खाया और अपना वजन कम किया है। रियान ने 30 दिन तक रोजाना 10 लाइट पिज्जा खाया और ऐसा करके उन्होंने अपना लगभग 3.4 किलो वजन कम कर लिया। रियान ने लोगों को ये दिखाने के लिए ऐसा किया है। रिया ने इसके लिए काफी अच्छे से अपनी डाइट तैयार की और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ पिज्जा ही खाया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता और सबके शरीर की जरूरत भी अलग अलग होती है, इसलिए कोई भी मेरी डाइट को फॉलो ना करे। रियान ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब फिटनेस गोल्स की बात आती है तो कड़ाके की ठंड वाला जनवरी महीना सभी के लिए काफी मुश्किल होता है, इसलिए मैंने अपने फिटनेस गोल को पूरा करने के लिए जनवरी महीना ही चुना। इसके साथ ही जरूरत से कम खाना मैं रहने के लिए बाहर से पिज्जा नहीं मंगाया बल्कि घर में खुद ही तैयार किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैलोरी डेफिसिट में रहकर भी मैं रोजाना 2 पिज्जा खा सकता था। कैलोरी को बैलेंस करते हुए मैंने 10 लाइट पिज्जा खाया, लेकिन मैंने वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और फिजिकल एक्टिव बना रहा। रिया ने ये भी बताया कि मैंने काफी कैलकुलेशन के बाद अपनी डाइट तैयार की थी, जिससे मुझे अपने गोल तक पहुंचने में मदद मिली। मैं सोमवार से शुक्रवार तक 1800 से 2100 कैलोरी और शनिवार रविवार को 2700 कैलोरी लेता था। मैं रोजाना 140 ग्राम प्रोटीन का सेवन जरूर करता था और रोजाना फल और सब्जी भी लेता था।